को समस्त मेकानिकल ट्रेनिंग उपकृत हबु आ बेसिक्स इंजन भितर कौन कौन बेसिक्स सिस्टम अच्छी कि सेंसर कोड कोड लगी सेंसर कौन काम सेंसर जानवर सेंसर कि आम शिखी पार नु आम नुआ नुआ समस्त ट्रेनिंग जापरलु आ सेंसर कम कौट रोचे केमी सेंसर कम कर आम बहुत जिन नुआ नुआ जिन शिखिलु आ नुआ जिन जानलु ताको आम किसी कम कर निज भर उपकृत कर समस्त मेकानिक भाई मैंने आम धन्यवाद जनाऊु नरेन्द्र मोदी आ धर्मेन्द्र प्रधान को आम सब जापरलु शिखिपालू आ बहुत सिस्टम अच्छी सर्टिफिकेट आम मानने दिहु इन्सुरांस दिहि ए बहुत उपकृत हबु मो ना गिरधारी नायक मुझे ढेकाना गोटे ग्यारेज कर आज आसलु कौशल इंडिया ट्रेनिंग नाप बी एस सिक्स से सार आम आसते आमको आज कौ गाड़ी कौ जगह कौ सेंसर लगुच से विषय बतैले जोटा आम जान ना आगु ए जानलु आगु आहु दी दिन आम ट्रेनिंग अच्छी तो से आम आशा कर सब जिन सब जापरू आ सारोप्रोडक्ट आम कर देखुचे ये द्वारा आम कि उपकृत हो पार कम कर दी पैसा दिखा इनकम कर आम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पाखे उपकृत हो धन्यवाद जनाऊ नमस्कार मु प्रहलाद राउत ढेंकानाळ ग्यारेज देछि आज स्किल इंडिया तरफ जो ट्रेनिंग दि जाऊँगी अति स्वागत योग्य पदक्षेप ये आम मानक जो मेकानिक भाई मान को गोटे भल प्लाटफर्म जगह आउ अधिक किसी बी एस सिक्स जो नुआ मॉडल गाड़ी आऊँ किसी शिखुं जानूं आज दुनिया जो नुआ नुआ मॉडल गाड़ी आऊँ किसी दक्षता अधिक से आम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आ धर्मेन्द्र प्रधान को धन्यवाद जनाऊु आज इंजिन सेंसर उपर बहुत किसी शिखेले आम सब शिखिलु बहुत बहुत खुशी अच्छे। मेरा नाम चंदन कुमार है और मैं बिहार से बिलोंग्स करता हूँ। बी एस सिक्स का ट्रेनिंग, इलेक्ट्रिकल व्हीकल का ट्रेनिंग, हाइब्रिड का ट्रेनिंग, जितने भी ऑटोमोटिव में ट्रेनिंग है मैं पूरे हिंदुस्तान में देता हूँ। अभी इन लोग का जो प्रोग्राम चल रहा है 3 दिन का प्रोग्राम है, चौथे दिन असेसमेंट होंगे। प्रोग्राम में पहले दिन इन लोग को सिखाया जाता है, जितने भी हमारे पास टूल्स वगैरह है उनका इंट्रोडक्शन, उनका परिचय वो टेलर के रूप में दिखाया जाता है कि क्या है, कैसे काम करेगा। ओरिजिनल चीज़ होता है सेकेंड दिन से, जैसे आज सेकेंड दिन है इन लोग को, तो हम दो दो वी सी आई लाए हैं, दो दो वी सी आई लाए हैं, दो दो बी एस सिक्स बाइक लाए हैं और भी टेक्नीशियन लाए हैं। तो बाइक पे इन लोगों का बी एस सिक्स का जितने भी सेंसर लगा है, वी सी आई जो मेरे पास दो दो है वो सबका प्रयोग बताया है। एक ही एक सेंसर खोल करके इन लोग के बताए हैं, एक ही एक ईसीयू खोल करके इन लोग के बताए हैं। सेंसर खोलने से, सेंसर खराब होने से क्या प्रॉब्लम होगा वो चीज़ इन लोग को सिखाया गया है। वी सी आई का प्रयोग कैसे करेंगे, सेंसर का रिप्लेसमेंट कैसे करेंगे, ये चीज़ सिखाया गया है। तो आज बी एस सिक्स का फुली थ्योरिटिकल और प्रैक्टिकल इन लोग को कम्प्लीट हो गया है। दो दो वी सी आई लाए हैं, उसे इन लोग को कम्प्लीट किया है। कल जो आएंगे, कल तो दिवाली है, कल नहीं परसों जो आएंगे इन लोग का इलेक्ट्रिकल व्हीकल का काम सिखाया जाएगा। फिर इन लोग का ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा, चौथे दिन असेसमेंट होगा। असेसमेंट में एक बाहर से असेसर आएंगे, ये लोग को थ्योरिटिकल, प्रैक्टिकल और भाई भा तीनों में गणना करके असेसमेंट लेंगे। उसके बाद जो सर्टिफिकेट आएगा, सर्टिफिकेट के साथ एक इंश्योरेंस भी मिलेगा, एक टूल किट्स भी मिलेगा, जो काफ़ी इन लोगों को बेनिफिट है। कोई चाहेंगे अपना वर्कशॉप आगे गणना करने के लिए तो मुद्रा लोन भी है, इंश्योरेंस भी है, सर्टिफिकेट ये ऐसा है। बी एस सिक्स का काम जो है पूरे इंटरनेशनल लेवल पे होता है, पूरे विश्व लेवल पे होता है। तो कहीं भी ये लोग नौकरी भी पा सकते हैं, कहीं भी गैरेज खोल सकते हैं, कहीं भी ये बी एस सिक्स का काम करने में भी सक्षम है। इतनी सारी बेनिफिट सरकार दे रही है तो काफ़ी लोग खुश है। ये चीज़ प्रोग्राम का लाभ लेकर के काफ़ी ये लोग मोटिवेट भी है और काफ़ी लोग खुश भी है। प्रोग्राम का लाभ मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं यहाँ से ही बिलोंग्स करते हैं, तो पहला ये लोग का मौका मिल गया है। पूरे हिंदुस्तान में ये ट्रेनिंग कहीं नहीं चल रहा है, सबसे पहले यहीं चल रहा है, तो ये लोग को काफ़ी बेनिफिट मिल गया है। तो उनको हमारे तरफ से काफ़ी धन्यवाद है, धन्यवाद के पात्र तो है ही वो। उनके साथ साथ हमारे पीएम भी धन्यवाद के पात्र हैं जो ये प्रोग्राम चला रहे हैं। और पहले क्या था ना कि कोई भी एजेंसी से बाहर वाले मिस्त्री, रोड वाले मिस्त्री, कॉलेज वाले टेक्निकल स्टूडेंट, ये सबको कोई नहीं वो ध्यान देता था, कोई नहीं पूछता था। अब वैसा सिस्टम नहीं है। सरकार चाहती है कि जितने भी हमारे बाहर रोड साइड मैकेनिक है वो सब भी सीखे, सीख करके काम करे, क्योंकि 80% तो गाड़ी यही लोग करते हैं, 20% ही एजेंसी वाले लोग करते हैं। तो कस्टमर को बहुत दिक्कत होता है, बी एस सिक्स गाड़ी अगर भर भर के लंच करे तो बहुत कस्टमर को दिक्कत होगा। इसलिए ये सबको खड़ा किया जा रहा है, तैयार भी किया जा रहा है, ताकि हम लोगों को दिक्कत ना हो, जो भी सेंसर वाले गाड़ी चला रहे हैं उन लोग को दिक्कत ना हो। देखिए ये ट्रेनिंग का मकसद एक और भी है, सरकार के इसके पीछे एक और भी एम है
कि ऑटोमोटिव क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, बहुत प्रदूषण फैल रहा है, वो प्रदूषण को कैसे कंट्रोल किया जाए, एक्सीडेंट भी काफ़ी होता है, वो एक्सीडेंट को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसका भी एक मकसद है कि कम किया जाए। तो BS6 गाड़ी चलेगा, सेंसर वाली गाड़ी चलेगा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल गाड़ी चलेगा, प्रदूषण भी कम होगा, पोल्यूशन भी कम होगा। और साल में जो हम लोग 34,000 करोड़ रुपया जो डीजल पेट्रोल पर खर्चा करते हैं, जो मुद्रा जो पैसे हम लोग से विदेशी लोग ले जाते हैं, उस पर भी कमांड हो जाएगा, उस पर भी कंट्रोल हो जाएगा। जो 750 रुपये, जैसे कोई अगर सिंपल बाइक रहता है तो 3,000 रुपये उसका ऑफिशियल काम में उड़ जाता है, अगर वही आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल रहते हैं, BS6 रहते हैं, तो काफ़ी कम आपको पैसे खर्च होंगे, क्योंकि माइलेज भी एवरेज भी अच्छा मिलेगा, चार्जिंग कॉस्ट भी कम आएगा। तो ये सब योजना चलाया जा रहा है जिससे इन लोगों को काफ़ी लाभ होगा, फ्यूचर में काफ़ी लोग खुश होंगे। जदि आपंको आम वीडियो भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।